मध्य प्रदेश की सीधी में स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और इसी मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भी कहा कि यह अत्यंत व्यथित करने वाली घटना है। सीधी जिले में जिस तरह का यह मामला सामने आया है, ये एक बहुत दुखद है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही और हर रोज महिलाएं और बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और दुर्व्यवहार, इसका निर्लज्ज रिकॉर्ड पहले से ही नंबर एक पे है मध्य प्रदेश में और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वे स्वयं दूसरे कामों में व्यस्त हैं, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है।